अथवाल साहब मैं बोलूं? अरे आप बोलिए साहब, ये मंची आप लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ कर्नल कोठियाल ही करता, उनको लेकर के ही सारी बात हो जाएगी। हिंदुस्तान को लेकर के सारा हिंदुस्तान उनसे बनता है क्या? उन्होंने कौन सी गलत बात बोली है? उन्होंने ठीक बोला है? उनका नेता कौन है? केजरीवाल क्या बोलने वाले, उनकी भाषा कौन सी रहती है? केजरीवाल ने हमारे सैनिकों पर आपने दूसरा सुना, पहला नहीं सुना इसका। अब वो सैनिक से टकराव की बात आप करेंगे तो सैनिक कौन था ये तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। उसमें उसमें तो कोई पार्टी नहीं है, उसमें कोई गलत बात कहां बोली है? दोषी जी ने फौजी इज ऑलवेज फौजी वाला जो कल्चर है ना, अरे भाई वो हमेशा होना चाहिए था एक दूसरे का, ताकि आने वाली जनरेशन में ये देखा जा सके। हम उनको आगे से कर्नल थोड़ी हटा रहे, हम तो कर्नल कोठियाल ही बोल रहे हैं, वो भी कर्नल कोठियाल बोल रहे हैं। उन्होंने बोला हम तो रूम मैं सिपाही हूँ, कौन सी गलत बात की है? तो अच्छा, जो 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 वो आरोप लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर कि उनके उनके खिलाफ मेरे पास बहुत कुछ है, मैं लास्ट मौके पे वो फोड़ूंगा, मैं पहले, मतलब ये अगर आरोप हैं तो इसमें अगर उनके उन्होंने कुछ गलत किया है तो समय पे क्यों नहीं फोड़ा गया इसको, समय पे क्यों नहीं उजागर किया गया, क्यों मतलब देश का नुकसान, जनता का नुकसान, ये सब चलेगा क्या? कि आप लोगों के लास्ट में हथियार इकट्ठे कर रहे हो, है धार लगा रहे हो अपने चाकू पे कि मैं लास्ट में इस पे लास्ट में प्रहार करूंगा इस पे, ये सब लास्ट के लिए बचाते हो क्या? देखिए देखिए अगर वो गलत है तो राजनीति में आने नहीं चाहिए था फिर, आप लोग उठाते हैं सवाल। नहीं राजनीति क्यों नहीं होना चाहिए, कौन नहीं रहा पहले? टीपी से राउत रहते, गलत आदमी के लिए एंट्री नहीं होनी चाहिए। उनको हमने कुछ बोला था क्या भाई? जो जिस लायक होगा वैसा तो बोला जाएगा। आपने अभी बच्चे की तुलना आपने की थी ना, ये बच्चा खेलता रहे अच्छा, बच्चा उनको अगर वो जिस लायक है, जिस लायक उन्होंने देश की सेवा करी है, उनको कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र उनको मिला है, तो वो क्या ऐसे ही मिला, सिफारिश से मिला है क्या? तो वो गलत जगह चले गए ना, मेरी बात सुनिए। मैं चोरी मैं ईमानदार बनकर चोरों की टोली उजाड़ बैठ जाऊंगा तो मैं ईमानदार रह जाऊंगा क्या? गरीब दोषी को क्या मिला? अग्रवाल साहब मैं चोरों के अपने ईमानदार बन करके फिर चोरों की टोली में बैठ जाऊंगा तो ईमानदार बच गया? तो यहाँ टोली की मतलब चोरों की, चोर किसको मानते हैं आप? बीजेपी बीजेपी में कांग्रेस में कांग्रेस में जो लोग बीजेपी में आ गए वो सब ईमानदार हो गए, और जब वो पहले कांग्रेस में थे तो सब चोर थे, अब आपके पार्टी में इतने सारे लोग हैं वो क्या है, अब ईमानदार हो गए हैं सब? मैं अथवाल साहब एक एक चीज की बात को ठीक से जवाब दे दूंगा, क्योंकि जो कांग्रेस से आए थे वो भाजपा में आए थे, और भाजपा में आपके सामने तो कुछ करके गए क्या? वापसी भी तो चले गए कांग्रेस में। अच्छा मतलब जब तक आपके साथ थे तब तक ठीक थे, अब वापस चले गए फिर चोर हो गए? तो बाकी नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ जो कह रहे होंगे। आरे साहब की बात कर रहे हैं, यशपाल जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ना वो चौहान जी, यशपाल जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? आज तक वही लोग भ्रष्टाचारी थे पिछली सरकार में, ये भी कहते हैं, हम भी कह रहे थे, अब क्यों नहीं रहे वो भ्रष्टाचारी? क्योंकि हमने कुछ करने दे दिया, करने दे दिया तो भागेंगे। आप ये बताइए ये सब चीजें, ये आरोप लगाना आप लोग कब बंद करेंगे और मुद्दों पे कब बात करेंगे? जनता के बीच में आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके कब जाएंगे? कब आप बात करेंगे कि मैं रिपोर्ट कर, ये सब कभी आप एक मंच पर आकर, एक मंच पर आकर आप सबके सब अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के बात कीजिए कि हमने इतनी नौकरियां दी, इतने लोगों को नौकरियां दी, ये उनके नंबर हैं, ये हमने योजनाएं लाए जो धरातल पे हैं, वो योजनाएं घोषणाओं वाली योजनाओं को मैं तो नहीं मानता कि घोषणाएं कर दी इलेक्शन से पहले, धरातल पे कितनी योजनाएं उनके ऊपर बात, ये सब घोषणाओं पे कोई आने वाले होंगे तो पता नहीं कौन लोग हैं। आप आज की जनता 2021-22 की जनता आप समझ लीजिए, घोषणाओं पे नहीं आने वाली, धरातल पे जो दिखेगा उस पे वोट मिलेगा। ये फीता काटने वाला काम बंद कर दीजिए। जो हमारी बातें रही है उन्हें आने वाली है, हमने जनता की